बॉलीवुड को लेकर दर्शकों का टेस्ट हमेशा बदलता रहा है। पहले जहां फिल्म स्टार्स को देखकर चल जाती थी, वही अब सब्जेक्ट पर बनी फिल्में चलती है। अब फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म में कितना पैसा लगा है, यही वजह है कि सेलेब्स के बाद अब एक्टर को दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। बोल्डनेस और ग्लैमर के दम पर करियर बनाने की चाहत रखने वाले एक्टर्स को भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसी के चलते एक्टर्स का फिल्मी करियर डूब चुका है। 2004 की फेमिना मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी तनुश्री दत्ता की पहली फिल्म आशिक बनाया आपने इसका बोल्ड अवतार नजर आया था। इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ जबरदस्त बोल्ड सीन दिए थे। यह उनकी पहली और आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद तनुश्री ने कोशिश की लेकिन असफलता ही हाथ ली। आज तनुश्री दत्ता #MeToo को लेकर चर्चा में है। अपनी डेब्यू फिल्म फौज में 17 किसिंग सीन देकर मलाइका शेरावत ने खलबली मचा दी थी। इसके बाद अपने सुपरहिट फिल्म मर्डर में भी बोल्ड अवतार में नजर आई। ख्वाहिश, किस किस किस्मत, मर्डर, बच के रहना रे बाबा, प्यार के साइड इफेक्ट, डरना जरूरी है, आपका सुरूर, वेलकम, अगली और बगली जैसी फिल्मों में काम कर चुकी और हिट नहीं दे पाई। एक कलाकार परिवार में जन्मी रिया सेन ने भी हिंदी और बांग्ला फिल्मों में काम किया। बचपन से ही वह फिल्मों में काम करने लगी। रिया सेन ने अपने बोर्ड अंदाज में बॉलीवुड की जगह बनाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इन दिनों रिया किसी फिल्म में नजर नहीं आ रही है। PM News 24 की रिपोर्ट।